नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्राइडकॉम ग्रुप वर्सेस वर्सेजोज एडवर्टाइजिंग के ऊपर और दोस्तों यहां पर कौन है बेहतर इसके बारे में जानेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन है दोस्तों यहां पर दो यूएस बेस्ड कंपनीज है एक तो टोटल यूएस में लिस्ट ही है और एक हमारी ब्रैडकॉम ग्रुप है और दोस्तों यहाँ पर बैटल में अब कौन जीतेगा इसके ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर जो है चर्चा है यहाँ पर उठा रहा उठ रहा है यहाँ पर नाम जो है मैं आपको बता दूं यहां पर काफी ज्यादा नाम उठ रहा है एटेक एट का अब यहां पर टाइम जो है वो इंडिया में अब एटेक एट को वैल्यूशन देने का टाइम आ चुका है तो चलिए दोस्तों देखते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं तो दोस्तों अगर इंडस्ट्री में देखें तो ब्रैडकॉम ग्रुप और बर्टोस जो है वो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते आई टी सेक्टर में एटेक एट से यहां पर जो है ये काम करते हैं ये दोनों एटेक एट के लिए यहां पर काम करते हैं एटेक की कंपनीज है यानी एडवर्टाइजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम दोनों को देखें तो दोनों का इंडस्ट्री जो है वो सेम में. अब यहां पर अगर हम बात करें हेडक्वार्टर है, एंड कंट्री बेस्ड तो यहां पर ग्रुप का जो है वो इंडिया में हेडक्वार्टर और यहां पर यूएस में हेडक्वार्टर ध्यान तो रखिएगा इनका दोनों जगह हेडक्वार्टर बाकी सब्सिडीज जो है वो अलग अलग जगह यहां पर जो है वर्ल्ड में फैली हुई हैं लेकिन बर्टूस की अगर हम बात करें तो ये टोटल यहां पर जो हेडक्वार्टर जो इनका है मेन हेडक्वार्टर जो है वो यूएस में ही है बाकी जगह जो है इंडिया इंडिया रहा और बाकी जगह अगर हम बात करें तो पर यहाँ पर जो है सब्सिडरीज फैली है लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी जो है वो यहाँ पर लिस्ट है अब अगर हम शेयर वैल्यू देखें दोनों की शेयर वैल्यू तो ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो थर्टी सेवन रुपीज़ पर है लेकिन वर्टोज जो है वो हंड्रेड रुपीज़ पर है अब हम फेस वैल्यू अगर देखें तो टेन की फेस वैल्यू जो है वो वर्टोज़ की है और ब्राइटकॉम ग्रुप की जो है वो टू की फेस वैल्यू है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ पर देखें वर्टोज़ का कोई स्प्लिट नहीं हुआ है लेकिन अगर हम ब्राइटकॉम ग्रुप की अगर टेन की फेस वैल्यू से अगर हम नापें इसका जो शेयर प्राइस है ब्राइटकॉम ग्रुप का अगर हम टोटल यहाँ पर जो है अगर हम नापते हैं तो ब्राइटकॉम ग्रुप का इस वक्त जो है वो तीन सौ के हिसाब से प्राइस है शेयर प्राइस जो है वो तीन सौ के हिसाब से क्योंकि स्प्लिट हो गया है तो यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का जो, जो शेयर है वो थर्टी सेवन रुपीज़ का रह गया और गिरा भी है तो वो अलग बात है लेकिन यहाँ पर जो स्प्लिट होने के बाद जो है स्प्लिट हो चुका है ब्राइटकॉम कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि स्प्लिट हो चुका है लेकिन अगर हम स्प्लिट से पहले देखें अगर हम स्प्लिट फेस वैल्यू को टेन कर देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप के जो प्राइस है शेयर प्राइस वो है तीन तो तीन के आसपास जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है लेकिन

यहाँ पर कम है यहाँ पर मार्केट कैप जो है ये भी एटेक एट की आपको तो तो आगे पता चलेगा और आपको समझ में कि क्यों है ये इतना और जो की लोग बात करते हैं, तो ये आप, आप समझ जाएंगे इससे कि आपको बात करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए करना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो है किस हिसाब से आपको करना चाहिए ये आपको पता लगने वाला है तो यहाँ पर लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर जो है चलिए हम इसके बारे में बाद, बा, बाद में ही बात करते हैं अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें Q1 जून 2021 हज़ार इक्कीस यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्यों बर्टोस का जो मार्केट कैप है वो 120 करोड़ है और मार्केट कैप जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का वो यहाँ पर जो है तीन हज़ार सात सौ तेरह करोड़ है तो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप की जो नेट सेल है इस क्वार्टर की Q1 की जो अभी हमने देखी तो यहाँ पर नेट सेल है छः करोड़ सिक्स करोड़ की यहाँ पर जो है नेट सेल है जबकि बर्टोज की यहाँ पर जो नेट सेल रही है कंसोलिडेट है यानी इंडिया और यूएस टोटल यहाँ पर सारी सब्सिडीज का बिजनेस मिलाकर यहाँ पर नेट सेल इस क्वार्टर में कितनी रही है इसलिए दोनों का यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर जो है कंपेरिज़न कराया तो आपने ब्राइटकॉम ग्रुप का देख ही लिया तो बर्टोज ग्रुप की जो है तो टोटल सब्सिडीज को जोड़ जाड़ कर जो नेट सेल है वो नौ नाइन पॉइंट ट्वेंटी नाइन करोड़ रुपीज़ है यानी नौ करोड़ उनतीस लाख रुपए यहाँ पर जो है इनका नेट सेल है और यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो ने, नेट प्रॉफ़िट है वो एक करोड़ रुपये है इस क्वार्टर में जबकि बर्टोज का जो है वन करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप को इतनी ज़्यादा मार्केट कैप क्यों मिल रही है बर्टोस के कंपैरिजन। तो यहाँ पर बर्टोस का जो मार्केट कैप है वो इसकी नेट सेल यानि अगर हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा बर्टोस का यहाँ पर जो है एक अदर अदर इनकम का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है अगर हम अदर इनकम को हटा दें तो यहां पर 1.18 करोड़ जो आपको दिख रहा है वो असल में ये नहीं है अगर हम सिर्फ देखें तो सतर सेवन लैक्स रुपीज का ओनली प्रॉफिट है अगर हम अदर इनकम अदर इनकम की सपोर्ट को अगर बर्टोस के नेट प्रॉफिट से हटा दें तो तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको बता दिया अब अगर हम मार्च 2021 जो अभी निकल गई है मार्च उसमें आया था एनुअल रिपोर्ट अगर हम कंसोलिडेट यानी मैंने आपको बताया ना कंसोलिडेट क्या होता है टोटल इंडिया प्लस बाकी कंट्रीज में जो बिजनेसेस हैं सारी सब्सिडीज़ के मिलाकर यहाँ पर नेट सेल की हम बात करने वाले तो ब्राइटकॉम ग्रुप की नेट सेल जो है वो 2,855 करोड़ है जबकि बर्टोस की यहाँ पर 57 करोड़ है यानी ब्राइटकॉम ग्रुप की जो नेट सेल है वो 2,855 करोड़ रुपीज़ है और बर्टोस की फिफ्टी करोड़ रुपीज़ की नेट सेल है तो एक यहां पर जो है वो डिफरेंस बहुत 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 बड़ा है तो ध्यान बर्टोस की जो नेट सेल है एनुअली वो ब्राइटकॉम ग्रुप के एक परसेंट के एक या दो परसेंट के बराबर है यहाँ पर आप मान सकते हैं तो ध्यान रखिएगा इसीलिए जो मार्केट कैप है वो ह्यूज डिफरेंस है लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें अब अगर हम करते हैं तो यहां पर 483 करोड़ रुपीज का यहां पर जो है नेट प्रॉफिट है इस साल की अर्निंग का ब्राइटकुम ग्रुप का जबकि बर्टोस का 8.18 करोड़ रुपीज का यहां पर जो है नेट प्रॉफिट है वही दो परसेंट के आसपास का है तो लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि बर्टोस में अभी भी यहां पर जो है गुड अदर इनकम सपोर्ट है तो यहां पर जो है काट कूट के अगर हम अदर इनकम को देखेंगे तो यहाँ पर सात साढ़े सात करोड़ रुपए के आसपास ही इनका जो है नेट प्रॉफिट बैठेगा बर्टोज का सही मिल रही है तो इसकी वजह से जो है बर्टोस का मार्केट कैप जो है वो 120 करोड़ है और यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो तीन हज़ार सात सौ तेरह करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर जो है मार्केट कैप हमको दिख रहा है लेकिन असल में अगर हम बात करें इसके असेट्स की तो असेट्स में भी यहाँ पर जो है वर्टोज का जो असेट है टोटल असेट्स जो है वर्टोज के पास वो सत्तर करोड़ रुपए के हैं जबकि ब्रैडकॉम ग्रुप के पास अपने असेट्स जो है वो तीन हजार दो सौ छाछठ थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी सिक्स करोड़ रुपीज़ के इनके पास असेट्स हैं तो असेट्स में भी जो है वो बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा डिफरेंस है लेकिन यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप को मैं आपको बता दूँ ब्रैडकॉम ग्रुप को वो कीमत नहीं मिल रही है जो कि असल में मिलना ही चाहिए था अब यहाँ पर मैं आपको एक हिडन पार्ट बताऊँ इस वक्त आपके सामने तो ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी भी है तो ध्यान रखिए एयरटेक के अलावा इनका सॉफ्टवेयर का काम भी है तो ये एक चीज जो है वो आपको पता चलेगी जब आप इनकी एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली जब रिपोर्ट आती है तो उसमें जो है नेट सेल टोटल सब कुछ जो आंकड़े दिए गए होते हैं उसमें एक जगह लिखा रहता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो इनकी टोटल नेट सेल का 12 परसेंट यहाँ पर जो है हिस्सा गेन करता है तो ध्यान रखिएगा अगर इन मैं आपको एक तरह से बता 683 करोड़ दू की यहाँ पर मैंने शायद आपको शायद मैंने यहां पर नेट सेल दिखाई थी ब्रॉडकॉम ग्रुप की तो उसका 12 परसेंट जो है 12 परसेंट पार्ट वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही आता है तो ध्यान रखिएगा एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है ब्राइटकॉम ग्रुप लेकिन बर्टोस जो है वो सिर्फ एक एडटेक कंपनी है तो ब्राइटकॉम ग्रुप में जो है वो आपको बेनिफिट मिलता है सॉफ्टवेयर का जो कि आगे चलकर बढ़ेगा और वो बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके वो अगेन कर रहे हैं और उसका एक अलग वैल्यूशन है तो ध्यान रखिएगा ब्राइटकॉम ग्रुप एडटेक प्लस सॉफ्टवेयर कंपनी है लेकिन बर्टोस जो है वो सिर्फ एड कंपनी है तो ये है इन दोनों का बहुत 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 बड़ा डिफरेंस और आगे चलकर जो है वो डीमर्ज भी हो सकता है ब्रैटकॉम ग्रुप का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट तो ध्यान रखिए चीज जो कि हिडन है और मैं बार बार मैं आपको बता चुका हूं मैंने क्वार्टर क्यू वन का जब रिजल्ट आया था जून का तो मैंने आपको मैंशन भी किया था उस वीडियो में अब बात आती है कौन है बेहतर तो ध्यान रखिएगा ब्राइडकॉम ग्रुप की जो फेयर वैल्यूशन है इस वक्त जो कि इंडियन मार्केट में नहीं दी गई है तो ब्राइडकॉम ग्रुप की जो है रियल वैल्यूशन 40,000 से 50,000 करोड़ रुपीस के आसपास का मार्केट कैप इनका होना चाहिए इस कंपनी की वैल्यूशन होना चाहिए जो कि अभी 3713 करोड़ रुपीस है वो तब जब इसमें बोनस मिल गया वो तब जब इसमें शेयर कैपिटल जो है इस कंपनी में बढ़ा शेयर जो है मार्केट में बढ़े जिसकी वजह से जो है इसका मार्केट कैप भी बढ़ गया तो ये एक एक एक, एक यहाँ पर जो है डिफरेंस निकल गया था बोनस और यहाँ पर जो है नए शेयर्स जो है इश्यू करे गए हैं वॉरेंट के तो उसकी वजह से आपको मार्केट कैप और भी ज़्यादा दिख रहा है तो ध्यान रखिए मार्केट कैप तो और भी ज़्यादा कम था लेकिन ठीक है जो भी है इनकी जो वैल्यूशन है वो फिर से फिफ्टी थाउजेंड करोड़ के आसपास होना चाहिए लेकिन जो वर्टोज है उसकी फेयर वैल्यू आपकी 120 करोड़ रुपए का मार्केट कैप ही है क्योंकि आपने आंकड़े देखे ज्यादा से ज्यादा अगर हम एटेक की बात करें एटेक में बूम आता है इंडिया के अंदर जो कि एफ इंडिया के आने के बाद एटेक को हमने समझना स्टार्ट कर दिया एटेक को वैल्यूशन देना स्टार्ट कर दी एटेक को समझना स्टार्ट कर दिया कि एटेक वास्तव में कोई एक चीज है आईटी सेक्टर में तो ध्यान रखिएगा अब वैल्यूशन का खेल यहां पर आता है तो अगर यहां पर वर्टोज का अगर वैल्यूशन भी मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा इन आंकड़ों के हिसाब से जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में देखे इन आंकड़ों के हिसाब से जो कि आपने जोर्ट्स में देखे उनके हिसाब से इसका ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फाइव टू तो सिक्स करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए तो वही चीज है जब ये गेन करेंगे वर्टोस तब जाकर यहां पर जो है आपको यहां पर तेजी एक अच्छी खासी दिखने वाली है तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों और कैसे और क्यों मिलना चाहिए और कैसे इन दोनों में इतना डिफरेंस है तो दोस्तों यहाँ पर एक सजेशन रहेगा उनके लिए उनके लिए सिर्फ सजेशन आपने बिलगेट माफ़ कीजिएगा ऐसे छोटी बात है ये तो बिलगेट्स को आप जानते ही हैं ठीक है ना तो आपने उन्होंने क्या किया था उस वक्त कि माइक्रोसॉफ़्ट तो थी उनके पास इस बात को समझने की कोशिश करिएगा माइक्रोसॉफ्ट थी उनके पास लेकिन उन्होंने एप्पल को भी बचाया जब एप्पल बहुत क्राइसिस में थी तो उन्होंने बचाया पैसा डाला उसमें उनका लाभ था उनका प्रॉफिट था लेकिन उसको समझने की कोशिश करिए अब अगर हम यहाँ पर सोचें कि आगे चलकर वर्टोज जो है अच्छा करके दिखा सकती है तो ये सजेशन सिर्फ आपके लिए तो दोस्तों अगर आप उनमें से हैं जो इन्फोसिस को खरीदना पसंद करते हैं साथ ही इन्फोसिस के साथ स्मॉल कैप की कंपनी आईटी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपने इन्फोसिस खरीदा लेकिन आपको आईटी सेक्टर में एक कंपनी चाहिए जो कि स्मॉल कैप हो जो आगे चलकर कर बढ़ोतरी करे जो मिड कैप में आए फिर लार्ज कैप में आए क्योंकि लार्ज कैप वाली इन्फोसिस वहाँ की वहाँ तो रहेगी नहीं डबल ट्रिपल होती रहेगी तो यहाँ पर जो है आगे आगे के लिए आपने जैसे आपने स्मॉल कैप में बिल्ला सॉफ्ट आपने रखने की सोचा कि आपने इस पर्पस से कि यहाँ पर इन्फोसिस है वो तो मुझे गेंद देगी लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनी है वो अभी मिड कैप में आएगी फिर मिड कैप के बाद में कुछ सालों में लार्ज कैप में भी आएगी तो आपको जो है ह्यूज रिटर्न देने की कोशिश करी तो अगर आप उनमें से हैं जो आप दोनों तरह की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में सजाना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये चीज ये सजेशन आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अगर ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयर्स आप होल्ड करते हैं मजबूती से आप रखते हैं आपको लगता है कि यहां पर जो है ब्राइडकॉम ग्रुप बहुत ही अच्छा करके दिखाएगा जो कि करके दिखाएगा ही जो कि आउटलुक आउटलुक जो है वो आ ही चुका है कंपनी ने आउटलुक दे दिया यहां प्रॉफिट जो आने वाला है क्यू का रिजल्ट आने वाला है वो कि वो उसमें प्रॉफिट जो है वो थ्री टाइम्स बढ़ गया है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकिन यहां पर अगर यहां पर जो है आप ब्राइटकॉम ग्रुप के रखते हैं साथ ही अगर आप चाहें तो स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी मतलब छोटी कंपनी मेरा मतलब है स्मॉल कैप से छोटी कंपनी जो है वो आप बर्टोस को थोड़ा सा शेयर्स बर्टोस के भी लेके रख सकते हैं ताकि अगर बर्टोस आगे बढ़े तो आपके पास बर्टोस के शेयर्स भी हो आप भी बढ़ते रहें तो ब्राइटकॉम ग्रुप तो कमा के दे गई साथ ही यहां पर बर्टोस से भी जो है वो आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा तो ये अगर आपको ऐसा पसंद है तो आपके लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि यहां पर जो है ब्रैटकॉम ग्रुप भी आप होल्ड करें टाइटली होल्ड करें ब्रैटकॉम ग्रुप का टारगेट बहुत ऊंचा है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर जो बर्टोज है वो धीरे धीरे ब्रैटकॉम को पकड़ने की अगर कोशिश करती है धीरे 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 तो आपको यहाँ पर रिटर्न भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा मिलने लगेगा तो आप मेरी बात को आप समझ गए होंगे उम्मीद है लेकिन यहाँ पर जो है बर्टोज से बेहतर जो है वो ब्रैटकॉम ग्रुप ही है ब्रैटकॉम ग्रुप एक तरह से हाथी एक तरह से लार्ज कैप समझिए और स्मॉल कैप जो है इस वक्त जो है वो आप कह सकते हैं बर्टोज को तो इस लार्ज कैप ब्रैटकॉम ग्रुप है जो कि बढ़ेगी जो कि बढ़ती रहेगी लेकिन ब्राइट

भी गलती लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा कुछ पूछना है कुछ बताना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा चैनल करिएगा सब्सक्राइब प्लस आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे तो अब दीजिए मुझे इजाजत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों